हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए लिखिए, तरक्की कीजिए और अपना, अपनी इस यूनिवर्सिटी का और अपने माँ बाप का, अपने देश का नाम रोशन कीजिए। मायसेल्फ जीबीएन पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ भुवनेश्वर यूनिवर्सिटी जयपुर। टुमारो वी डिस्कस ऑन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनल पॉलिसीज, नीड्स ऑफ पर्सनल पॉलिसी। नाउ वी डिस्कस प्रिंसिपल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल पॉलिसीज। द प्रिंसिपल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल पॉलिसीज मे बी लिस्टेड दास। फर्स्ट प्रिंसिपल और ऑब्जेक्टिव इज टू एनेबल एन ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल ऑन और कैरी आउट द मेन ऑब्जेक्टिव्स विच हैव बीन लेड डाउन एज द डिजायरेबल मिनिमा ऑफ जनरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी। तो पॉलिसीज में क्या होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको फुलफिल करने में, उनको कैरी आउट करने में, जो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको बनाए रखने में, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज डिजायरेबल मिनिमम ऑफ जनरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी का यही होता है। ठीक है, किसी संगठन के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको फुलफिल करने और कैरी आउट करने में। ठीक है, नाउ सेकेंड इज टू इंश्योर दैट इज एम्प्लॉयज आर इन्फॉर्म टू दीज आइटम्स ऑफ पॉलिसीज एंड टू सिक्योर देयर कॉरपोरेशन फॉर देयर अटेनमेंट। साथ में इसमें इंश्योर करती है पॉलिसीज कि एम्प्लॉयज़ है जित हमारे ऑर्गेनाइजेशन के, कि उनको इन्फॉर्म किया जा चुका है आइटम्स, पॉलिसीज़ के आइटम्स के बारे में, और वो उनके कॉरपोरेशन को लेने के लिए, अटेनमेंट करने के लिए हमें सिक्योर हो चुके हैं। सो ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड सच कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोसीजर्स एज विल एनेबल ऑल द एम्प्लॉयज़ टू डेवलप ए सिंसियर सेंस ऑफ यूनिटी विद द एंटरप्राइज एंड टू कैरी आउट देयर ड्यूटीज इन मोस्ट बिलिंग एंड इफेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिव क्या है पॉलिसी का, प्रिंसिपल पर्सनल पॉलिसीज का, एम्प्लॉयमेंट है जो उसकी कंडीशंस को सच में प्रोवाइड करवाना उनको, और जो प्रोसीजर है एम्प्लॉय को उनको एम्प्लॉय के उनको एनेबल करना, उनको डेवलपमेंट करना, तथा उनकी जो सिंसियरिटी है, उनकी यूनिटी को उसको उसमें बना कैरी आउट करके रखना, बनाए रखना, और उनकी जो ड्यूटीज है उसको मोस्ट बिलिंग तरीके से और इफेक्टिव मैनर से कैरीड आउट किया जाए, तो उनको निकाला जाए ज़बरदस्ती से। एक एम्प्लॉय को बहुत अच्छे ईमानदारी से काम करे, वो एम्प्लॉय में उसका ऑब्जेक्टिव होता है, हमारे पर्सनल पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव ये होते हैं, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति पूरी जिम्मेदारी निभाए इस तरीके से। नेक्स्ट इज प्रोवाइड एन एडुकेट कम्पिटेंट एंड ट्रेंड पर्सनल फॉर ऑल लेवल एंड टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मोटिवेट्स दैम। ये क्या होता है, सभी जो लेवल्स हैं उन लेवल्स पर क्या क्या प्रोवाइड, एडुकेट और कम्पिटेंट ट्रेंड पर्सनल प्रोवाइड करवाता है, ताकि एंड टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट एंड मोटिवेशन दैम, ताकि उन्हें किसी हर तरीके के मैनेजमेंट मोटिवेट प्रोवाइड करवाते हैं हर लेवल पर पर्सनल को ट्रेन करने के लिए। टू प्रोटेक्ट द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ ऑल द पार्टीज एंड रिकॉग्नाइज द रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेड यूनियंस के रोल्स को रिकॉग्नाइज किया जाए, जितने भी पार्टी है हमारी इंटरेस्टेड रखती है उनके जो इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट किया करके रखना। ये नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड फॉर ए कंसल्टेटिव पार्टिसिपेशन बाई एम्प्लॉय इन द मैनेजमेंट of an organization and the framing of conditions for the participation. This however shall not take place in technical, financial or trading policy. Employee क्या क्या consultative participations, employees उसके consultation में management करने के लिए employee का part consultations लिया जाए organization में, और उनका जो कंसल्टेशंस है उसको पार्टिसिपेट किए बजाए कि उनको कंसल्ट किया जाए मैनेजमेंट को कि किस तरीके से काम किए जाएंगे, प्रोवाइड करवाया जाए साथ में ये, ताकि कोई और चीज़ तो नॉट टेक प्लेस टेक्निकल फाइनेंशियल, तो फालतू चीज़ें कोई भी चीज़ें नहीं हो उसमें,
ताकि ये तकनीकी जो फाइनेंशियल्स है और ट्रेड जो नीति में जगह नहीं ले। जो बाद में देखो आज मैंने पर्सनल पॉलिसी जो पार्टी जो उनके जो कंसल्टेंसेंस है कंसल्टेटिव है उनको प्रोवाइड करवाया जाए, एम्प्लॉयज़ को पार्टिसिपेशन करवाया जाए मैनेजमेंट में, ताकि वो बाद में टेक्निकल फाइनेंशियल और ट्रेडिंग्स पॉलिसी में उसका पार्ट ना बने। नेट इज़ टू प्रोवाइड एन एफिशिएंट कंसल्टेटिव सर्विसेज दा दिस एम एक एज एट क्रिएटिंग म्यूचुअल फेथ अमॉन्ग दोज हु वर्क इन द एंटरप्राइज। तो एफिशिएंट कंसल्टेटिव सर्विसेज भी प्रोवाइड करवाए जाए इनको ये इन पॉलिसीज। इसके से क्या होगा, फर्स्ट देखिए, वाई डेवलपिंग मैनेजमेंट लीडरशिप विच इज़ बोल्ड एंड इमेजिनेटिव एंड गाइडेड बाई मॉरल वैल्यू। तो पर्सनल पॉलिसी क्या करेंगी, मैनेजमेंट लीडरशिप होगी उसको डेवलपिंग करेंगी, डेवलप करके इमेजिनेटिव होंगी उसको गाइडेड मॉरल वैल्यू को जो अपने निर्देश डायरेक्टिव करेंगे वो शायद। नेक्स्ट इज इफेक्टिवली डेलीगेटिंग द ह्यूमन रिलेशंस एस्पेक्ट आस्पेक्ट्स ऑफ पर्सनल फंक्शंस ऑफ लाइन मैनेजर्स। लाइन मैनेजर्स के जो ह्यूमन्स रिलेशंस होते हैं उनके जो आस्पेक्ट्स होते हैं उनको इफेक्टिवली डेलीगेट किया जाए नाउ किया जाए। नेक्स्ट इज बाय एनफोर्सिंग डिसिप्लिन ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेटिव अंडरस्टैंडिंग एंड ह्यूमन एप्लीकेशंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये क्या, डेलीगेटिंग जो फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स है वो देख रहे हैं अपन। तो कॉरपोरेटिव जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो एनफोर्स किया जाए उनको, कॉरपोरेटिव अंडरस्टैंडिंग को, और ह्यूमन्स जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको अपने कॉरपोरेटिव जो सहकारिता होती है एक सबके लिए, सब एक के लिए, इस तरीके की भावना है, डिसिप्लिन होता है, वो इन्फोर्स किया जाए। नेक्स्ट वाई प्रोवाइडिंग फॉर ए हैप्पी रिलेशनशिप एट ऑल लेवल, सभी लेवल्स पर क्या हैप्पी रिलेशनशिप प्रोवाइड करवाया जाए। तो इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं ये। नाउ नेक्स्ट इज टू एस्टेब्लिश द कंडीशंस फॉर म्यूचुअल कॉन्फिडेंस। म्यूचुअल कॉन्फिडेंस की जो कंडीशंस हैं उनको एस्टेब्लिश किया जाए, कन्फ्यूजन्स को अवॉइड किया जाए, और मिसअंडरस्टैंडिंग है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में उसको रिमूव किया जाए, और सजेशंस प्लान जॉइंट मैनेजमेंट काउंसिल वर्क कमेटी इन सब के थ्रू क्या, परफॉर्मिंग अप्रेजल डिसीजन इन सब के थ्रू क्या है, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस को कंडीशंस है उनको इम्प्रूव एस्टेब्लिश किया जाए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर। वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट, वर्कर्स है अपने उनको एम्प्लॉयमेंट की जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि वो देन मे नॉट बी डिस्ट्रैक्ट बाय द अनसर्टेनिटीज ऑफ देयर फ्यूचर। अनसर्टेनिटीज़ के लिए कि वो टेंशन डिस्ट्रैक्ट ना हो, इस वजह से उनको वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट की सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन टू पर्सन्स हु आर विलिंग टू लर्न एंड अंडर गो ट्रेनिंग टू इम्प्रूव देयर फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ के लिए। अगर कोई ग्रोथ, किसी विलिंगनेस है ग्रोथ के लिए, तो उसे कुछ इम्प्रूवमेंट ट्रेनिंग किया जाए उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्टस के पर्पज़ से भी। तो ये पॉलिसीज़ के ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं पॉलिसीज़ के। ठीक है, इनके बेस पर बनाई जानी चाहिए पॉलिसीज़ की। हर एक एम्प्लॉई है हमारे, वर्कर्स हैं, उनके हर एक जो आस्पेक्ट्स होते हैं उन पर फोकस किया जाए, उनको हर एक चीज़ को इंक्लूड करके ही हमारी जो पॉलिसीज़ है उनका एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए, उनका बना के फिर उसके इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में। ठीक है बच्चों, ठीक है, नेक्स्ट इज टू रिकॉग्नाइज द वर्क एंड एकम्प्लिशमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज़। ठीक है, वर्कर्स के एकम्प्लिशमेंट और जो वर्क है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ के, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए। वह ऑफरिंग नॉन मोनेटरी इंसेंटिव्स, तो उनको इंसेंटिव्स प्रोवाइड करवाए जाए, वो एकम्प्लिशमेंट्स को इम्प्रूव करे, वो वर्क्स को इम्प्रूव, उनकी पहचाने, उनकी क्षमताओं को पहचाने एम्प्लॉय, तो उसके लिए उसको अच्छा काम करने के लिए उनको नॉन मोनेटरी इंसेंटिव प्रोवाइड किया जाए, रिवार्ड बोलते हैं जिसे अपन, इस तरीके से उनको प्रोवाइड करवाए जाए जाने चाहिए, ऑब्जेक्टिव है ये सारे। टू क्रिएट ए सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट होना चाहिए ऑब्जेक्टिव ऑन द पार्ट ऑफ दोज इन अथॉरिटी फॉर द क्लेम्स ऑफ एम्प्लॉयज एज ह्यूमन बींग हु शुड बी गारंटीड प्रोटेक्शन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट्स एंड
offer enough scope for developing their potentials. तो एम्प्लॉयज़ में रेस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस है उसको क्रिएट करने के लिए अथॉरिटी प्रोवाइड करवाया जाए और एम्प्लॉयज़ को ह्यूमन बीइंग्स इन सारी चीज़ें हु शुड बी गारंटेड प्रोटेक्शन दे फंडामेंटल राइट्स उनके सबके सिक्योरिटीज़ होनी चाहिए उनको क्या किया ताकि वो रेस्पॉन्सिबिलिटी समझे रेस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस समझे अपनी जिम्मेदारियाँ समझे उनके फंडामेंटल राइट्स की जो सेफ्टी की गारंटी दी जाए उनको और ऑफर्ड एनअप स्कोप फॉर डेवलपिंग देयर पोटेंशियल उनकी क्षमताओं को विकसित करने के लिए हमें प्रॉपर स्कोप प्रोवाइड करवाना चाहिए एम्प्लॉयों के ऑब्जेक्टिव होने चाहिए ऑब्जेक्टिव्स है अपने पर्सनल पॉलिसीज़ के. इन ब्रीफ पर्सनल पॉलिसीज शुड रेस्पेक्ट ह्यूमन डिग्निटी एंड पर्सनल इंटीग्रिटी इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट फॉर ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड और कलर एंड ऑफर रीजनेबल सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू एम्प्लॉयज दिस शुड बी डिजाइन एज टू इंश्योर दैट वर्क एंड एकम्प्लिशमेंट आर प्रॉपरली रिकॉग्नाइज दैट सेफ्टी एंड हेल्दी कंडीशंस ऑफ वर्क आर क्रिएटेड दैट कॉमन इंटरेस्ट एंड प्रोमोटेड एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन इज एंकरेज दैट द रोल ऑफ ट्रेड यूनियंस इज रिकॉग्नाइज एंड देयर functions and responsibility are respected and that the employees satisfactions and motivations and their development as individual as properly look after. तो ब्रीफली में क्या पर्सनल पॉलिसीज का जो ऑब्जेक्टिव है ह्यूमन डिग्निटी को रेस्पेक्ट की जाए पर्सनल इंटीग्रिटी का साथ में फेयर ट्रीटमेंट होने चाहिए सभी एम्प्लॉयज साथ कोई कास्टिज्म नहीं होनी चाहिए कोई कलरिज्म नहीं होनी चाहिए ठीक है इन सब के ध्यान में रीजनेबल सोशल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी प्रोवाइड करवानी चाहिए एम्प्लॉय इन सबको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए एम्प्लॉय में ठीक है पर्सनल पॉलिसी के अपने ये ऑब्जेक्टिव्स है और उनको रिकॉग्नाइज हेल्थ कंडीशंस अच्छी वर्क है हेल्थ कंडीशंस प्रोवाइड करनी चाहिए सेफ्टी होनी चाहिए प्रॉपर कॉमन इंटरेस्ट एंड एम्प्लॉय पार्टिसिपेंट्स को इंकरेज करना चाहिए अपन ये सबके ऑब्जेक्टिव्स है अपने पर्सनल पॉलिसीज़ के बच्चों तो अपने ये डिस्कस किए पर्सनल पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव और प्रिंसिपल्स बच्चों थैंक यू सो मच नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे एंजॉय योर डे.